अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैश अनवर है और जूलॉजी एमसीक्यू प्रिपरेशन के अंदर ये सीएसएस का 2011 का पेपर वन है जूलॉजी का, जिसके हम एमसीक्यू देखने लगे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन है कि द डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोआन इज़। अभी जो प्रोटोजोआ होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनिमल लाइक होते हैं, इन्हें किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर दी हुई हैं ये सारे के सारे प्रोटोजोआ हैं। बट इन्होंने पूछा है कि वो कौन सा प्रोटोजोआ इनमें से जो कि डिजीज़ कॉजिंग है, यानी पैथोजेनिक है। ठीक है, पैथोजेनिक वो होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो अब इसके अंदर जो आंसर लगा भाई, अच्छा ये सॉल्व पेपर है तो इसके अंदर आंसर्स लगे हुए हैं, बड़ी आंसर मुझे करेक्ट नहीं लगा। बिकॉज अमीबा जो है वो एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं, जो कि डायरिया की एक फॉर्म होती है जिसके अंदर ब्लड हमें देखने को मिलता है स्टूल्स के अंदर। पैरामीशियम जो है ये हॉर्स कह रहा हूँ चप्पल की तरह का होता है, जूते के शेप का होता है, बट ये कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता। स्टेंटर जो है ये भी सीलिएटा से बिलोंग करता है, यानी पैरामीशियम जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ये भी कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता। तो ये दोनों तो हैं नॉन पैथोजेनिक। बट ये जो ट्रिप्नोसोमा है ये फ्लैजिलेटा से बिलोंग करता है, जो कि प्रोटोजोआ की एक क्लास है, और ये जो है एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिप्नोसोमायसिस। तो ये दोनों जो है ये डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोन के अंदर आ सकते हैं। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है। तो या तो ये सवाल के अंदर गड़बड़ है या फिर ये है कि पता नहीं, बट ये दोनों जो है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोआ है। मैं दिखाऊंगा अभी ये दो तीन क्वेश्चन करके फिर मैं दिखाऊंगा इमेजेस। नाउ बाई न्यूक्लियर प्रोटोजोआ, अगेन प्रोटोजोआ से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाई न्यूक्लियर का मतलब ऐसे प्रोटोजोआ कि जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। तो हमें पता है कि जो क्लास सीलिएटा है जिसके अंदर पैरामीशियम आता है, तो वो क्लास ऐसी होती है कि जिनके पास माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा एक और क्लास होती है सेक्टोरिया, उनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है, इनमें और सीलिएट्स के अंदर ये कॉमन चीज़ होती है कि इन दोनों में एक छोटा और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस वाले जो हैं वो आपके सीलिएटा से या फिर सेक्टोरिया से बिलोंग करते हैं। इनमें से अगर हम देखना शुरू करें, ये जो मैस्टिक अमीबा है, ये मैस्टिगो नहीं है, ये मैस्टिक अमीबा है, ये बिलोंग करता है एक जीनस है जो कि आर्की अमीबा का ग्रुप है, यानी ओल्ड जो अमीबा हैं उनसे बिलोंग करता है। ये सीलिएटा से बिलोंग नहीं करता, यानी जो पैरामीशियम वाला ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, और ये ए माइटोकॉन्ड्रिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो टॉक्सोप्लाज्मा है, टॉक्सोप्लाज्मा पूरा एक जीनस है जिसके अंदर कॉमनली एक टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई आता है, ये एपिकॉम्प्लेक्सा से बिलोंग करता है। डाइडीमियम जो है हमारे पास ये अमीबोजोआ से बिलोंग करता है और क्लास मिक्सोगैस्ट्रिया से बिलोंग करता है, और ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये पैराबेसैलेट से बिलोंग करता है। तो इनमें से कोई भी जो है वो बाई न्यूक्लियड वाली कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। तो करेक्ट आंसर जो है वो है नन ऑफ दीज। ना स्पीक्यूल्स जो होते हैं ये स्पंजस का एंडोस्केलेटन बनाते हैं, ये डिफरेंट शेप के जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो सेल है वो प्रोड्यूस करता है स्पीक्यूल्स, यानी कौन सा सेल। स्पीक्यूल जो है बेसिकली एक नॉन लिविंग मटेरियल है जो कैल्शियम कार्बोनेट है या सिलिका है, तो वो कोई ना कोई सेल सीक्रेट करते होंगे। तो उन सेल्स का नाम जो होता है वो होते हैं स्क्लेरोब्लास्ट। स्पंजेस के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, लाइक पोरोसाइट्स होते हैं जो कि होल्स बनाते हैं जिनके थ्रू पानी अंदर आता है, देन होते हैं पिनाकोसाइट्स जो कि आउटर लेयर बनाते हैं, क्वाइनोसाइट्स होते हैं जो कि अंदर की लेयर बनाते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसके अलावा दोनों लेयर्स के दरमियान में जेली लाइक मटेरियल होता है मेसेनकाइम, तो उस मेसेनकाइम के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं, और यही वो सेल्स है जो सीक्रेट करते हैं। ये आपको अगर स्पीक्यूल्स देखे हो तो स्पीक्यूल्स पाए भी जो है वो मेसेनकाइम के अंदर जाते हैं, यानी दरमियान वाली लेयर में पाए जाते हैं। बाकी क्रोमोसाइट किसी भी ऐसे सेल को गए हैं जो कि कलर्ड हो, ठीक है। थीसोसाइट जो है ये अमीबोसाइट्स को ही, अमीबोसाइट्स का दूसरा नाम होता है, अमीबोसाइट्स वो होते हैं जिनसे गैमेट्स बनते हैं, इनके अंदर स्पर्म और ओवम बनते हैं। ठीक है जी, ये नन ऑफ दीज जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। स्क्लेरोब्लास्ट जो है ये वो सेल होता है जो प्रोड्यूस करता है स्पीक्यूल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीलेंट्रेट्स जो हैं ये निडेरिया के मेंबर्स होते हैं, फाइलम निडेरिया के मेंबर्स, जिनके पास नीडोब्लास्ट होते हैं जो कि वो शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सीलेंट्रेट इन्हें इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके पास एक अदद कैविटी होती है, लाइक हाइड्रा अगर आपने देखा तो उसके अंदर एक अदद कैविटी होती है जिसे हम सीलेंट्रॉन का नाम देते हैं। ये अंदर वाली जो कैविटी है दिस इज कॉल्ड सीलेंट्रॉन। ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, यहीं पर डाइजेशन होती है। तो इनमें से कौन सा सीलेंट्रेट है जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं? तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जो है वो फाइसीलिया को कहते हैं। फाइसीलिया जो है ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बल्कि ये कलेक्शन होता है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट पॉलिप्स और मेडुसा, इनके अंदर जो वैराइटीज़ होती हैं जो सिलेंड्रिकल होते हैं, जिनका मुंह ऊपर होता है, जिनके टेंटिकल्स ऊपर होते हैं, आर्म्स ऊपर होते हैं, उन्हें पॉलिप कहते हैं, और अम्ब्रेला वाले जो हैं वो मेडुसा हैं। तो ये दोनों मिलकर जो है ये कलेक्शन बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, उस कॉलोनी को हम जो है वो फाइसीलिया का नाम देते हैं।
और उसी का दूसरा नाम जो है वो पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर है, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में ना। सूडो सीलोमेट एनिमल्स कौन होते हैं? तो भाई सीलोम जो है एक ऐसी स्पेस होती है, एक ऐसी कैविटी होती है जो तब बनती है जब मीजोडर्म जो है यानी दरमियान वाली लेयर जो है वो स्प्लिट होती है। तो जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म, और दरमियान वाली लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं मीजोडर्म। तो इनिशियली जो मीजोडर्म होती है वो पूरी एक सिंगल लेयर होती है, उसके बाद ये होता है कि ये मीजोडर्म जो है ये स्प्लिट होती है, ये हमारे पास एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और अब ये मीजोडर्म जो है ये स्प्लिट होगी, इसकी एक लेयर जो है वो एक्टोडर्म के साथ शामिल हो जाती है और एक लेयर जो है वो एंडोडर्म के साथ शामिल हो जाती है। तो अब अगर इसे देखें तो ये वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर जो है ये एक्टोडर्म के साथ है और ये वाली लेयर जो है ये एंडोडर्म के साथ है, इसके दरमियान ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है और ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, दिस स्पेस इज़ कॉल्ड ट्रू सीलोम, ये सीलोम है और इसे ट्रू सीलोम हम कहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है उन्हें हम सीलोमेट्स कहते हैं। तो इनमें से जो सीलोमेट्स हैं वो हैं एनलिड्स, एनलिड्स जो हैं ये ट्रू सीलोमेट है, इनके अंदर ट्रू सीलोम पाया जाता है। आर्थ्रोपोड जो हैं ये भी सीलोमेट्स हैं, इनके अंदर भी ट्रू सीलोम पाया जाता है। सीलेंट्रेट्स जो हैं ये ए सीलोमेट है, इनके अंदर ऐसी कोई कैविटी वजूद में नहीं आती, क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेंटर वाली लेयर ही नहीं होती, मीजोडर्म जो है वो इनके अंदर होती नहीं है, जब मीजोडर्म ही नहीं होती तो कोई कैविटी भी नहीं बनती। जबकि जो नीमाटोड्स हैं, नीमाटोड्स को हम कहते हैं सूडो सीलोमेट, यानी इनके अंदर फॉल्स सीलोम हमें देखने को मिलता है। फॉल्स सीलोम क्या होता है? फॉल्स सीलोम एक ऐसी कैविटी होती है जिसके एक तरफ जो है अगर ये मैं सर्कुलर बनाऊं तो ये हमारे पास एक्टोडर्म और आ गई, उसके बाद ये सेंटर में हमारे पास एंडोडर्म आ गई, ठीक है, ये एंडोडर्म है, और एक तरफ हमारे पास जो है ये जो लेयर मैं बना रहा हूँ दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म, ठीक है, ये मीजोडर्म है। अब ये जो बीच की स्पेस है इसके एक तरफ तो मीजोडर्म है इस तरफ, और एक तरफ एंडोडर्म है, इसके दोनों तरफ मीजोडर्म नहीं है, तो ऐसी स्पेस कहलाती है फॉल्स सीलोम, और ऐसे एनिमल्स जो हैं वो कहलाते हैं स्यूडो सीलोमेट। नाउ अर्थवर्म जो है वो बिलोंग करता है कौन सी कैटेगरी से? तो फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स से होते हैं, ये वो होते हैं जिन्हें हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं, रिबन शेप इनकी बॉडी होती है, रिबन शेप या फ्लैट इनकी बॉडी होती है, सिप्लेनेरिया बिलोंग करता है, टेपवर्म्स बिलोंग करते हैं, लिवर फ्लूक बिलोंग करता है। नीमाटोडा जो है ये राउंड वर्म्स होते हैं, एस्कैरिस उससे बिलोंग करता है, वो केरीरिया से बिलोंग करता है। मॉलस्का जो है ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, स्नेल्स हैं या स्क्विड्स हैं, ये इससे बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके जॉइंटेड लिम्स होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस आती हैं जिसमें सारे के सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जिन्हें हम हेक्सापोडा कहते हैं, तो वो सारे इनसे बिलोंग करते हैं। जो अर्थवर्म है ये बिलोंग करता है फाइलम एनालिडा से, जिन्हें हम सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं, जिनकी बॉडी जो है वो डब्बो डब्बो के अंदर हमें नजर आती है। ना द नंबर ऑफ आर्म्स इन ऑक्टोपसेस, तो ऑक्टोपस के कभी आपने आर्म अगर देखे हो, अगर ऑक्टोपस देखे हो तो आप ईजिली काउंट कर सकते हैं। तो ऑक्टोपस बिलोंग करती है फाइलम मॉलस्का से, मॉलस्का की क्लास है सेफेलोपोडा, उससे बिलोंग करती है, और इनके जो आर्म्स होते हैं वो 8 आर्म्स होते हैं। ना द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, तो कॉकरोच जो है ये बिलोंग करता है इंसेक्ट्स से, और इंसेक्ट्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर कहीं पर भी मेलफीजियन ट्यूब्यूल नहीं दिया हुआ, तो ये मेलफीजियन ट्यूब्यूल, यही बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि इंसेक्ट्स के या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच जो है, जो कि इंसेक्ट है, उनके क्या होते हैं? फ्लेम सेल जो है ये हमारे पास प्लैटीहेलमिंथ्स के होते हैं, प्लैटीहेलमिंथ्स जो है इनके अंदर ये फ्लेम सेल पाया जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे सीलिया मौजूद होते हैं जो कि मुसलसल हिल रहे होते हैं। ग्रीन ग्लैंड जो होते हैं ये स्कॉर्पियन के एक्सक्रीटरी, स्कॉर्पियन या स्पाइडर्स के अंदर जो है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाकी जो कॉक्सल ग्लैंड है, सॉरी, ये जो कॉक्सल ग्लैंड होते हैं ये बेसिकली एरेक्निड्स के अंदर होते हैं, यानी जो स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस हैं उनके अंदर होते हैं। जो ग्रीन ग्लैंड हैं ये उनमें होते हैं, आपके जो क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियंस के अंदर आ जाते हैं, जो आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी है जिसके अंदर प्रॉन्स और क्रैब्स वगैरह आ जाते हैं, उनके अंदर ये ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉकरोच के यहाँ पर नहीं दिए हुए, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। द कंपाउंड आइज जो हैं दे आर प्रेजेंट, कंपाउंड आइज जो हैं ये फीचर होता है उनका आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा के अंदर जॉइंटेड लिम्स होते हैं, ओपन टाइप इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है, और कंपाउंड आइज होती है। कंपाउंड आइज एक ऐसी आई होती है जिसके अंदर आपको लगेगा कि बहुत सारे छोटे 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 लेंसेज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कभी मक्खी की आँख अगर आपने करीब से देखी हो तो आपको लगेगा कि ये कलेक्शन है लेंसेज का। तो इनमें से कोई भी जो आर्थ्रोपोडा है उसकी उसका ये फीचर होगा। तो हनी बी जो है ये इंसेक्ट है, और इंसेक्ट जो है वो हेक्सापोडा के अंदर आते हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा की क्लास है। बाकी जो कटल फिश है, कटल फिश जो है ये एक मॉलस्क है, तो मॉलस्क के अंदर ये कंपाउंड आइज हमें देखने को नहीं मिलती। ये सी ऑर्किन जो है ये बिलोंग करता है इकाइनोडर्मेटा से, जो कि स्पाइनी स्किन वाले होते हैं।
जिनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। सी माउस जो है ये बिलोंग करता है पॉलीकीट से। पॉलीकीट जो है ये जो एनलीड्स हैं जिसमें अर्थवर्म आता है उसकी एक क्लास होती है, जिनके अंदर मल्टीपल सीटाएँ मौजूद होते हैं। यानी अगर उनका आप एक सेगमेंट निकाल के देखें तो उसके अंदर पैरापोडिया होते हैं जो कि फ्लैशी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनके ऊपर मल्टीपल सीटाएँ लगे हुए होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये पॉलीकीट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर हनी भी है। बेलानोग्लॉसस जो है, बेलानोग्लॉसस गिगास, ये एग्जाम्पल है कौन सी कैटेगरी की। ये बिलोंग करता है हेमीकॉर्डेटा से। हेमीकॉर्डेटा एक ऐसा ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, जिन्हें हाफ कॉर्डेट्स भी कहते हैं। इनके अंदर कुछ फीचर्स हमें कॉर्डेट्स वाले मिलते हैं, और ये वर्म लाइक होते हैं। इनकी बॉडी वर्म लाइक होती है, और ये समंदर के अंदर यू शेप बरोज बनाते हैं। यानी जिस तरह रैबिट या माउस होता है जो कि ज़मीन खोदता है, बिल्कुल उसी तरह समंदर की जो सरफेस होती है उस पर यू शेप बरोज बनाते हैं, और इनके अंदर ये रहते हैं। ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, यानी इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो एनस बनाता है। तो इनका जो इसकी जो एग्जांपल है वो बेलानोग्लॉसस है। सेफेलोकॉर्डेट्स वो होते हैं कि जिनके ये कॉर्डेट्स की कैटेगरी है। कॉर्डेट्स को हम डिवाइड करते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स में, यानी जो इनिशियल कॉर्डेट्स है, और इसके अलावा वर्टिब्रेट्स के अंदर, यानी जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनको फर्दर डिवाइड करते हैं हम यूरो में, यूरोकॉर्डेटा में और सेफेलो में। तो यूरोकॉर्डेटा वो होते हैं जिनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो सलामत तो रहती है, यानी वो वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ टेल रीजन में होती है। और सेफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो भी सलामत रहती है, लेकिन वो हेड से लेकर टेल तक पूरी बॉडी में होती है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो एम्फियोक्सिस है, एम्फियोक्सिस। यूरोकॉर्डेटा जो है इसकी एग्जांपल जो है आपका एसीडिया है, इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। क्रेनिएटा जो है ये वो हैं कि जिनके अंदर हमारे पास ये उसकी एग्जांपल, ये उसके अंदर आते हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेनिएट्स। इनके अंदर जो वो है हेड, क्या कहते हैं उसे, ब्रेन बॉक्स, इनके अंदर जो ब्रेन बॉक्स है वो पाया जाता है। इनका जो ब्रेन है वो इनक्लोज्ड होता है ब्रेन बॉक्स के अंदर, जिसे क्रेनियम कहते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेनिएटा। नाउ द एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स आर, तो ये तीनों जो हैं हमारे पास ये बिलोंग करते हैं नेथोस्टोमेटा से। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हें आप डिवाइड करते हैं ऐसे ग्रुप के अंदर जिसे आप कहते हैं ए नेथा, जो कि विदाउट जॉज होते हैं, और नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉज होते हैं। नेथोस्टोमेटा को फर्दर डिवाइड करते हैं आप सुपर क्लास पाइसिस में, और पाइसिस यानी जिसमें मछलियाँ आती हैं, और दूसरे में आप दूसरा आप डिवाइड करते हैं टेट्रापोडा के अंदर। तो ये तीनों जो हैं ये इसी के अंदर आते हैं नेथोस्टोमेटा के अंदर। इसमें जो इलास्मोब्रैंकियाई और ऑस्टेक्थाइस हैं, ये तो आपकी फिशेस की दो कैटेगरीज हैं, दो क्लासेस हैं। इलास्मोब्रैंकियाई जो हैं ये वो हैं जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्टाइस कहते हैं, यानी वो मछलियाँ जिनकी बॉडी जो है वो जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और ऑस्टेक्थाइस वो हैं कि जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोन का बना हुआ होता है। तो ये तो अलाइव हैं, इसमें शार्क्स और रेज आ जाती हैं, बाकी इसमें बहुत सारी फिशेज़ आ जाती हैं, ज़्यादातर खाने वाली फिशेज़ जो हैं वो यही होती हैं। प्लेकोडर्माई जो है ये बेसिकली एक ग्रुप है जो कि एंशियंट ग्रुप, एंशियंट मछलियों का है, इनके फॉसिल्स हमें मिले हैं, तो ये वो ग्रुप है जो कि एक्सटिंक्ट है। द टाइप ऑफ स्केल्स फाउंड इन शार्क, शार्क जो है वो बिलोंग करती है इलास्मोब्रैंकियाई से, जिन्हें हम जो है वो भी कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइस भी कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टाइस के जो फीचर्स होते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, दूसरी बात यह है कि इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, यानी नीचे की तरफ होता है। अगर आपने शार्क देखी हो तो उसका माउथ इस तरह से होता है, ये तो बहुत अजीब सी शार्क हो गई, ठीक है, ये इसका माउथ होता है। इसके अलावा इनके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, आपको नज़र आ रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, यानी ऑपरक्यूलम नहीं होता। इसके अलावा स्केल की जो वैरायटी इनके अंदर पाई जाती है वो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, तो ये प्लेकॉइड स्केल्स जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो ऑस्टेक्थाइस हैं उनके अंदर साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं और टीनॉइड स्केल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्लेकॉइड स्केल्स कुछ इस तरह के होते हैं, ये इस तरह की वैरायटी होती है। स्केल्स वो होते हैं जब आप मछली वाले के पास कभी जाते हैं तो नीचे वाइट वाइट से पड़े हुए होते हैं, तो वो स्केल्स होते हैं। नाउ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव थ्री चेंबर्ड हार्ट एक्सेप्ट, थ्री चेंबर्ड हार्ट जो होता है ये फीचर होता है हमारे पास उनका, क्या कहते हैं, एम्फीबियंस का। फिशेस के अंदर टू चेंबर्ड हार्ट होता है, फिश एम्फीबियंस के अंदर थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है, और जो हमारे पास रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास फोर चेंबर्ड हार्ट होता है बट इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, यानी एट्रियम जो है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड है, वेंट्रिकल जो है वो डिवाइडेड तो है बट समझ लें उसमें होल है कहीं, तो मिक्सिंग अभी भी होती है। तो अगर हम देखें यूरोमैस्टिक्स जो है, यूरोमैस्टिक्स ये आपकी लिजर्ड को कहते हैं, ये रेप्टाइल से बिलोंग करती है। स्नेक जो है ये भी रेप्टाइल से बिलोंग करता है, वॉल लिजर्ड ये भी रेप्टाइल से बिलोंग करती है, क्रोकोडाइल, तो ये सारे के सारे रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं।
अब रेप्टाइल्स के अंदर अगर हम देखें तो रेप्टाइल्स में तमाम के अंदर जो है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट सिर्फ एक कैटेगरी है जिनमें कम्प्लीटली डिवाइडेड फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो क्रोकोडाइल है। तो अगर क्रोकोडाइल में चार चैम्बर का हार्ट है पूरा, तो इनको मैं कहूँगा कि इनके अंदर तीन चैम्बर का हाँ, तो बाकी के अंदर जो है वो तीन चैम्बर का हार्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट, तो क्रोकोडाइल के अंदर थ्री चैम्बर नहीं होता, बाकी सब में आप समझ ले थ्री चैम्बर का हार्ट है क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है। नाउ एन एनिमल ग्रुप हैविंग रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट्स बट बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा। तो सिमेट्री जो होती है वो ओवरऑल शेप होता है एनिमल का। रेडियली सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप उसे सेंट्रल अगर आप उसे वर्टिकली काटें और ऐसे काटें कि जो काटने वाली चीज़ है वो सेंटर से गुजरे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एनिमल है जिसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह का एनिमल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो अगर मैं इसे वर्टिकली काट रहा हूँ ऐसे कि ये सेंट्रल एक्सेस से पास हो रहा है और ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, मैंने इस एक्सेस से काटा तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, मैंने यहाँ से काटा तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल कहलाता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल वो होता है कि जिसको आप सेंटर से जब काटते हैं तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट, लेकिन जब आप जब प्लेन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी अगर बात करें तो अगर हमें सेंटर से काटा जाए तो हम राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर हमारे हेड को इस तरह से काटा जाए, ब्लेड को इस तरह से चलाया जाए नीचे की तरफ, तो हमारा एक हिस्सा अगला बनेगा और एक हिस्सा पिछला बनेगा, तो दोनों आंखें आगे की तरफ आ जाएंगी, पीछे की तरफ कोई आंख नहीं जाएगी, तो ये अनइक्वल डिवीजन है, तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल कहलाता है। अब इनमें अगर मैं बात करूँ तो एनेलिड्स जो होते हैं ना वो क्या कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जो अर्थवर्म है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। सिमिलरली जितने भी कॉर्डेट्स हैं जिसमें मछलियाँ आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स आते हैं, वो सब बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट हो, तो यहाँ पर ही मैंने बता दिया कि इन दोनों के अंदर रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट्स नहीं होते बल्कि बायलैटरल होते हैं। ये वो कैटेगरी है इकाइनोडर्म्स के जिनके अंदर रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट्स होते हैं, और इनका जो लार्वा होते हैं यानी जब ये इमेच्योर हालत के अंदर होते हैं तब वो बायलैटरल होते हैं। तो ये गलत आंसर लगा हुआ है, इकाइनोडर्मेटा वो हैं कि जिनका लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी आप उसे सिर्फ एक तरह एक सेंटर से काटेंगे तब वो राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, बट जो इनका एडल्ट होता है अगर आपने सी अर्चिन देखा हो तो वो कुछ इस तरह का होता है। अब अगर मैं इसे ये मैं ब्लेड रखूँ यहाँ पे और ये इसका सेंटर है, मैं इसे यहाँ से काटूँ तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, इस तरह भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो इनका एडल्ट जो है वो रेडियली, दो ही हमारे पास फाइलम है जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एक हमारे पास वो होता है, तो एक हमारे पास इकाइनोडर्मेटा है जिसके अंदर स्टार फिश आती है, और दूसरा है हमारे पास नेडेरिया जिसके अंदर जेली फिश आती है। नाउ विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, अगर आपने एम्ब्रियो देखा हो, ठीक है, इंसानों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास प्लेसेंटा है, ये इससे अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती हुई नज़र आ रही है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है, और इसके अराउंड ये एक लेयर है जिसे हम कहते हैं एमनियन, ठीक है। तो एमनियन जो है वो बेसिकली कवर कर रही होती है एम्ब्रियो को, तो एम्ब्रियो के अराउंड कुछ मेम्ब्रेन्स होती है जिन्हें हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस, ये तीनों जो हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर आती हैं, यानी ये कहीं ना कहीं एम्ब्रियो के अराउंड होती हैं। तो एमनियन तो ये नज़र आ रही है, कोरियन वो है जिससे प्लेसेंटा फॉर्म होता है यहाँ पे, और एलेंटॉइस वो है जिससे ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है। प्लूरा जो है ये वो लेयर होती है जो कि लंग्स को कवर करती है, तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं है। The egg-laying animals such as deck-billed platypus and spiny anteater are found in. तो चूँकि ये बहुत थोड़े से हैं तो इनकी जो distribution है वो restricted है, तो ये दोनों जो है deck-billed platypus और spiny anteater ये prototheria से belong करते हैं, यानी ऐसे animal, ये ऐसे mammals हैं जो कि अंडे देते हैं। तो ये belong ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये दोनों हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं, ठीक है, तो इनकी distribution बहुत restricted है। Now renal portal system is absent in. अब ये रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, तो पोर्टल सिस्टम जो है बेसिकली ये कलेक्टिंग सिस्टम होता है। नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास ये आर्टरी है, ठीक है, ये हार्ट है यहाँ पे, ये आर्टरी है, ठीक है, हार्ट से ब्लड जो है वो आर्टरी में जाता है, उसके बाद ये कैपिलरी के अंदर जाता है, और उसके बाद ये वेन्स के अंदर जाता है, ठीक है, यहाँ से ये क्या है ये, हाँ, उसके बाद ये वेन के अंदर जाता है और वेन उसे लेकर दोबारा से कहाँ आ जाती है, वेन उसे लेकर आ जाती है हार्ट में, ठीक है। नॉर्मली ये होता है हमारे पास पोर्टल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आर्टरी हार्ट से आर्टरी में गया, आर्टरी से कैपिलरी में गया, कैपिलरी से वेन में गया, अब वेन के बाद ये एक ऑर्गन के अंदर हो गया, अब ये यहाँ से जाएगा दूसरे ऑर्गन के अंदर, ये वेन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा, फिर यहाँ पर कैपिलरी के अंदर जाएगा, ठीक है, दूसरे ऑर्गन की कैपिलरी में जाएगा, और उसके बाद फिर जो है दूसरी वेन में जाएगा, यानी बड़ी वेन के अंदर, और उसके बाद फिर ये हार्ट के अंदर जाएगा,
ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम की डेफिनेशन ये होती है कि पोर्टल सिस्टम एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें ब्लड एक कैपिलरी सिस्टम से कलेक्ट होके फिर एक बड़ी वेसल के अंदर जाता है ताकि दूसरे ऑर्गन की जो कैपिलरी सिस्टम है उसको सप्लाई कर सके। तो हमारे पास जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो हमारे पास जो सिस्टम होता है जिसमें क्या कहते हैं हमारे पास एक पोर्टल वेन होती है इंसानों के अंदर जो करती क्या है इंटेस्टाइन से जितना भी ब्लड होता है जो वीनस ब्लड होता है वो सारा का सारा जो ब्लड है वो सारा का सारा फूड जो है वो एब्जॉर्ब करके आ रहा होता है। तो वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता ब्लड, वो जाता है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर इससे जाता है ताकि वहाँ पर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सके, वहाँ पर स्टोरेज कर सके। तो हमारे पास जो हेपेटिक का पोर्टल सिस्टम होता है, लिवर का पोर्टल सिस्टम होता है, हमारे पास किडनी का पोर्टल सिस्टम नहीं होता। तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो हमारे अंदर या मैमल्स के अंदर जो है वो एब्सेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विम ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें। अभी स्विम ब्लैडर जो है इसे एयर ब्लैडर भी कहते हैं, ये फिशेस का कैरेक्टर है। फिशेस की दो कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास ऑस्टिक थाइस है, कॉन्ड्रक थाइस है। तो कॉन्ड्रक थाइस जो होती हैं जिन्हें बोने फिशेस कहते हैं उनके अंदर ये ब्लैडर मौजूद होता है और ये इन्हें स्विमिंग के अंदर हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं ऑप्शन, ये एम्फीबियंस हैं, इनमें नहीं होता। ग्रीन टर्टल जो है ये रेप्टाइल से भी नहीं होता, सी स्नेक के अंदर भी नहीं होता। तो नन ऑफ दीज आंसर है ना। डायनसेफेलॉन जो है ये पार्ट होता है किसका, तो अगर आपने ब्रेन को देखा हो कभी स्कल में से निकाल के, तो ब्रेन उसको आपको कुछ इस तरह का नजर आता है। ठीक है, इस तरह का ब्रेन हमें नजर आता है, थोड़ा अजीब सा हो गया। तो ये जो बाहर से आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम का वो पार्ट है जिसे हम कहते हैं टेलेंसेफेलॉन। जब आप इसे काटते हैं तो काटने के बाद जो है यानी सेंटर से जब आप काटते हैं तो आपको बीच का स्ट्रक्चर नजर आता है। क्या है, जब आप इसे काटेंगे तो कटने के बाद ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, ये बीच का पार्ट आपको विजिबल हो गया। तो ऊपर वाला हिस्सा अभी भी जो है ये टेलेंसेफेलॉन है, दिस इज कॉल्ड टेलेंसेफेलॉन, टेलेंसेफेलॉन। और ये जो बीच वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर मौजूद होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस और कुछ और पार्ट्स, ये हिस्सा कहलाता है डायनसेफेलॉन। ठीक है, डायन का मतलब ये है, डाय का मतलब होता है दो के दरमियान में, दो एनसेफेलॉन के दरमियान में, इसको और दूसरे वाले को राइट और लेफ्ट वाले को एनसेफेलॉन कह रहे हैं, और उनके दरमियान में ये पार्ट मौजूद होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। अच्छा भाई, हाँ ये वाला हो गया, ये वाला लास्ट क्वेश्चन रह गया। माइक्रोलेसिथल एग जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, एग के अंदर कितना अमाउंट है योग का उसकी बेसिस के ऊपर। तो ए लेसिथल का मतलब होगा विदाउट योग, बिल्कुल योग मौजूद ही नहीं है। ठीक है, फिर मीजोलेसिथल होता है मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग मौजूद है, माइक्रोलेसिथल बहुत थोड़ा सा अमाउंट है योग का मौजूद, पॉलीलेसिथल बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो बर्ड्स जो हैं उनका जो है हमारे पास पॉलीलेसिथल होता है, रेप्टाइल्स का भी जो है वो पॉलीलेसिथल होता है, एम्फीबियंस जो है इनका आई थिंक मीजोलेसिथल होता है, मैमल्स जो है यूथेरियन मैमल्स जो होते हैं जो कि आपके प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जिनमें हम भी आते हैं, उनका जो है वो माइक्रोलेसिथल कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत माइनर अमाउंट जो है वो योग का मौजूद होता है। बिकॉज इंटरनल डेवलपमेंट होनी होती है बॉडी के अंदर, बेबी ने डेवलप होना होता है तो योग मौजूद नहीं होता क्योंकि प्लेसेंटा होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन मदर एंड द बेबी, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ से मिल रहे होते हैं। नाउ थोड़ी सी पिक्चर्स देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द कंडीशन विच इज़ नोन एज अमीबिक डिसेंट्री। तो ये अमीबा से होती है, एंट अमीबा है, सोलाइटिका एक बैक्टीरिया कह रहा हूँ, प्रोटोजोआ होता है जो ये कॉज करता है। ठीक है, तो ये कॉज करता है। दूसरा ट्रिप्नोसोमाइसिस मैंने बताया था, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं इसे। इसमें स्लीप साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, सो दिस इज कॉज बाय ट्रिप्नोसोमा। तो ये दोनों जो है ऑप्शन के अंदर दिए हुए थे और इसके अंदर अमीबा लगा हुआ था पता नहीं क्यों। नाउ दिस इज द स्टेंटर, ये फ्री लिविंग जो है वो सीलिएट होता है, ये जो है वो पैरासाइट नहीं होता। दिस इज द पैरामीशियम, पैरामीशियम तो खैर देखा हुआ है, पैरामीशियम ही वो है कि जिसके अंदर आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस नजर आता है। ये अगर आप देखें तो ये बड़ा न्यूक्लियस, ये छोटा न्यूक्लियस है, तो ये बाई न्यूक्लियट प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। दिस इज मेस्टिक अमीबा, इनमें दो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते, इनमें सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। ओके, दिस इज ट्राइकोनिम्फा, ये भी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था, ये पैराबिसैलेट प्रोटिस्ट है, ये रहता है टर्माइट्स की इंटेस्टाइन के अंदर, ये उनके ऊपर पैरासाइट होता है ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, सो दिस इज ट्राइकोनिम्फा। दिस इज डाइडीमियम प्रोटोजोआ, ये भी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था। ये हमारे पास स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होते हैं स्पंजस के अंदर जो सीक्रीट करते हैं और ये इनका एंडोस्केलेटन बनाते हैं। जिस तरह हमारे अंदर बोन्स के बोन्स से बना होता है एंडोस्केलेटन, इनमें स्पिक्यूल्स का बना होता है। नाउ दिस इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर विच इज़ ऑल्सो नोन एज फाइसीलिया, ये जो आपको फ्लोट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा नीचे तक जो है ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि ये मल्टीपल हैं,
जो कि एक साथ मिलकर रह रहे हैं, ये एक कॉलोनी होती है, दिस इज कॉल्ड फाइसिलिया, दिस इज कॉल्ड पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, दीज आर प्लेकॉइड स्केल्स, ये हमारे पास प्लेकॉइड स्केल्स हैं, दीज आर प्लेकॉइड स्केल्स, और ये शार्क और रेस के अंदर पाए जाते हैं जो कि उस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रैक्टाइज कहते हैं। तो ये तीन तरह का, तीन पॉइंटेड एजेस जो निकले हुए हैं, ये प्लेकॉइड स्केल्स की पहचान होती है। ना दिस इज़ द टीलन सेफेलॉन, जब आप ब्रेन को देखते हैं जो बाहर का जितना भी लाल पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज टीलन सेफेलॉन, जब आप इसे काटेंगे तो इसके अंदर आपको ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डायन सेफेलॉन। तो डायन सेफेलॉन जो है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला बाहर वाला जितना भी पार्ट है, कुलजा भाई, कि बाहर वाला जितना भी पार्ट है ये टीलन सेफेलॉन है, और फिर ये जो बीच का हिस्सा दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड डायन सेफेलॉन। तो ये दोनों नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। सो दिस वॉज द पेपर ऑफ सी एस एस, सी एस एस जोलॉजी, ये 2011 का पेपर नंबर 1 था।